नूह मेवात जिले के करहेड़ा गांव से बीती रात जीजा द्वारा साली को घर से चबरन उठाकर अपहरण कर ले जाना महंगा पड़ गया। जीजा तो बचकर जैसे तैसे भाग गया, लेकिन उसके चार साथियों को हथियारों जिंदा कारतूस के साथ भीड़ ने पकड़कर नगीना पुलिस के हवाले कर दिया। घटना में इस्तेमाल होने वाली स्विफ्ट गाड़ी का तो भीड़ ने चकुमर निकाल दिया। नगीना पुलिस ने चार आरोपियों सहित सात आठ अन्य लोगों के खिलाफ अपहरण लूट सहित कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बाकी आरोपियों की तलाश में भी पुलिस जुट गई है। अजमत पुत्र हुरमत निवासी करहेड़ा ने नगीना पुलिस को दी गई शिकायत में कहा कि उसने अपनी लड़की मिस्कीना की शादी करीब आठ वर्ष पहले शमून पुत्र अर्जन गांव तिरवाड़ा थाना बिछोर के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार की थी। गत 28 फरवरी 2018 को समून ने अपनी पत्नी मिस्कीना की गला दबाकर हत्या कर दी। पत्नी की मौत के बाद समून की नजरें शाली पर टिक गईं और वह उसे ले जाने की बात ससुराल पक्ष के लोगों से करता रहा। गत 4 मार्च 2018 को जब समून के ससुराल वाले खेतों में काम करने गए हुए थे तो शमून अपनी शाली शैकुनी को जबरदस्ती घर से उठा कर ले गया। शैकुनी की उम्र महज 13.5 वर्ष थी। इसके बाद पीड़ित पिता ने नगीना पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने गत 7 मार्च 2018 को मुकदमा नंबर 45 दर्ज कर लिया। आरोपी शमून ने मामले में जमानत करा ली। शमून का आरोप है कि वह साली को जबरन उठाकर ले जाने की फिराक में बार बार आता जाता था। गत 28 दिसंबर 2018 को पीड़ित पिता ने नगीना पुलिस को फिर से शिकायत दी। आखिरकार गत 18 जून 2019 को शमून शिफ्ट कार में अपने सात आठ अन्य साथियों के साथ हथियारों से लैस होकर आया और लड़की को जबरन उठाकर ले जाने लगा। लड़की ने शोर मचा दिया तो पूरा परिवार जग गया। आखिरकार समून तो शोर के बीच भागने में कामयाब हो गया, लेकिन उसके तीन साथियों को हथियार सहित मौके पर ही दबोच लिया गया। कुछ देर बाद जब पुलिस तीन आरोपियों को ले गई तो दोबारा से उनके साथियों ने हमला बोल दिया। उसी दौरान चौथा आरोपी भीड़ में हत्थे चढ़ गया। चारों आरोपी और क्षतिग्रस्त गाड़ी के अलावा अवैध देसी तमंचा और जिंदा कारतूस सहित अब नगीना पुलिस की गिरफ्त में है। नगीना थाना प्रभारी अजय वीर सिंह ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, पूछताछ की जा रही है, बाकी बचे आरोपियों की भी जल्दी दबोच लिया जाएगा। मेवात से लियाकत अली पत्रकार की रिपोर्ट। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उनका आज जो पहले अपहरण हुआ मेरी लड़की का छोटी का, वह तो बड़ी तो मार दी। बड़ी का जब छोटी का हुआ है तो समून और साकिर और जंगल में जब काम चल रहा है कटाई का, हम सब घर वाले हूँ चले गए, पीछे से वो लड़की ही हुए, दोनों भाई उसको उठा के ले गए। अब तो जी फायरन की तो कोई गिनती नहीं है, फायरन की कोई गिनती ना है। तो किस तरह से उनको पकड़ा आप लोगों ने? बस ऐसे ही छोरे टन ने गुटका जब आ गया, जब और ज्यादा रोड होगी तो इन्हें पकड़ ली। जब गांव वाले भी पीछे से पकड़ लिए, जब पकड़ा दिए तो कहाँ के रहने वाले हैं ये? तिरवाड़ा कोई भागस कोई कहाँ का जी? पुलिस आप मैन तो है जी समून। अब इसकी हमारी कोर्ट में चल रहा जी केस। हमारी लड़की का बयान हाँ ये सातवें महीना में, तो वकील ने इसको बताई होगी कि तू यह तारीख से पहले पहले ये लड़की उठा ले, अगर बयान दे दिया तो तू जेल में जाएगा। तो क्या उस लड़की को उठाया? आप लोगों की पहले उनसे रिश्तेदारी थी कोई? रिश्तेदारी ही पहले क्या थी? मेरी लड़की ही उसके उस घर में। हाँ, उसने वो मार दी। जब वो मर गया चार दिन पीछे छोटी लड़की को ले गए, 13.5 साल की लड़की। किस बात को लेकर मारा था लड़की को? उसका तो काम है।
आरोप तो जी हमने कुछ पता नहीं, उसने उस दिन हमारे इस लड़का की शादी की, हमारे भतीजा की, उसने एक जान लिया कि सोना मौका है और उससे कही ही पहले एक दिन आकर आप इस लड़की को शादी में लाना, तो वो मौका देख रहा कि शादी में लगेंगे, उसी रात में वो लड़की मार दी उसने। आप ये भी हमको इंसाफ मिले और हमारी तो यानी जान सुखारा की। कितने आरोपी थे जो आप लोगों ने पकड़कर पुलिस को दिए हैं, किस तरह से पकड़ा? चार पकड़े। क्या पुलिस के पास ही हैं? पुलिस के पास ही जी, वो तकरीबन 2 बजे आए हैं और 2 बजे आए हैं फिक्स मेरे घर पे हमला करा उन्होंने। पहले पैसा देना और जेवर निकाला उन्होंने, फिर उन्होंने मेरी बहन को उठाया, जिससे उसने बहन ने शोर मचाया, उसको गाड़ी में ले आया, शिफ्ट डिजायर गाड़ी थी, नई गाड़ी, नंबर प्लेट नहीं थी, उसमें नंबर प्लेट उठाट की थी, तो जैसे उसने रोड मचाई में चले तो मेरा उन्होंने फायर करें, कम से कम 12-15 फायर करें उन्होंने, वो पुलिस को हमने दिए थे, वो सबूत दिया है, हथियार भी दिया है पुलिस, तो बस मेरी बहन ने शोर मचाया तो मैं सोया था, मैं एकदम खड़ा हुआ तो मैंने उसको पकड़ा जैसे पीछे से, तो बस साफ है, कम से कम साफ है, मैंने जितना देखा मैं तो इतना बता रहा हूँ, साफ ज़्यादा भी हूँ मैं तो मिला के नहीं, उन्होंने पीछे से जब मेरे या छर्रा मारा है या उसने क्या मारा है मेरे को पता नहीं, पीछे से वार करा मेरे, वो तिरवाड़ा के बताए जा रहे हैं, उन पर पहले भी केस हैं, बहुत से केस हैं, वो बारस का है, बारस के गाँव उसमें से। तो कहाँ कहाँ चोटें आई हैं आपको, किस तरह से फायर किया था उन लोगों ने? उसने जी हमारे वहाँ पे मैं सीधा फायर करा धुआंधाड़, हमारा भाई था, बड़ा भाई था, वो घर में अंदर था, जैसे वो बाहर निकल आया तो उन्होंने धुआंधाड़ गोली चला दिए, उसको बाहर नहीं निकलने दिया, सिर्फ मैं और मेरे एक छोटा भाई है, वो दोनों हम मतलब उनको अपनी बहन को छुड़ाने की कोशिश करे, उसको हमने उससे पकड़ लिया वहाँ पे और गाँव वाले आगे जिससे उनको दबोच लिया। क्यों आखिरकार आप लोगों पर फायरिंग की, क्या वजह थी जो आपको बहन को उठाने के लिए वो आए थे? उस पर जी पहले एक केस है अपहरण का, उसने हमारी बहन को पहले भी अगवा किया था उसने, तो उसके मामले में वो जबरदस्ती उससे उठा के ले जाने जा रहे हैं, उसने पहले हमारी बहन थी उसमें उसका उसने मर्डर कर दिया, तो मार दी थी, पुरानी रंजिश चली आ रही है, पुरानी थी वो तो फिर उसको धोखाधड़ी से उसे वो ले गया, वो घर पे कोई नहीं था, उसको पहले उठा के ले गया था, उसका केस चल रहा है। क्या कार्रवाई इसमें चाहते हैं बाबा? तो अब ये चाहते हैं हम, हमारी जितनी मदद हो आप सरकार से हमारी मदद करें। ये हमने सुबह 3-4 बजे इत्तला दी थी कि ऐसे करेड़ा गांव के अंदर 7-8 बंदे जो हैं आए हैं, उनके पास हथियार भी हैं, उसके बल पे उनमें से एक मुंजिम है, उसकी जो साली है वो रहती है, उसको उठाने के लिए आए थे, जिसको जो उस लड़की को उठा रहे थे तो उसमें गाँव वाले जाग गए, उसके घर वाले परिवार वाले, और उनमें से उन्होंने 4 लड़के हमें पकड़ के पुलिस के हवाले किए हथियार समय, और उसके बाद आज अभी उन्होंने लिखित में शिकायत दी है, उस शिकायत के ऊपर पर्चा दर्ज करके आगामी कार्रवाई अमल में लाएंगे। फायरिंग की बात भी सामने आई है सर? हाँ, उसमें उन्होंने कहा है कि फायरिंग हुआ है, चोट वोट किसी को फायरिंग की नहीं हुई, कह रहे कि हवाई फायर हुआ है, जैसे उसकी हम अभी इंक्वायरी कर रहे हैं। कुछ हथियार वगैरह? हाँ, उसमें से उन्होंने कुछ एक कट्टा और कुछ गोलियाँ उन्होंने हमें, कुछ गिरफ्तारी वगैरह, हाँ उसमें से 4 लोग जो दिए हैं उनसे हम पूछताछ करके उनकी गिरफ्तारी अभी डाली है। मुकदमा दर्ज हो गया? मुकदमा भी अभी दरखास्त पेश की, जिसके उस पर हम तुरंत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई। कौन कौन सी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा सर? अभी दरखास्त पेश की है, उसमें हम अभी इसमें जो धाराएं जो भी उचित धाराएं लगा के इसमें